नेक्स्ट हम डर्टी डजन्स जो है उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पीसीबीज डिस्कस कर रहे हैं, जिनको हम पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स भी कहा जाता है। पीसीबीज जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं डायोक्सिन्स के। डायोक्सिन्स हमें पता है कि बहुत हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। उसके अलावा डिस्टर्ब करते हैं हार्मोन्स को और कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन देखी जाए तो इसमें कैटलिज FeCl3 यूज़ होता है। 1977 में जो PCBs प्रोड्यूस किए गए थे वो स्टिल इन यूज़ हैं। 209 डिफरेंट PCB कंपाउंड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ डिफर करते हैं पोजीशन के हिसाब से कि किस पोजीशन पे क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास अटैच है। वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच इन टर्न कैन इफेक्ट इन्वायरमेंट। कुछ पीसीबी जो हैं वो हाईली ऑयली हैं, कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा विस्कस हैं, कुछ जो हैं वो हाईली क्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स जो हैं वो ग्रीसीज और वैक्स की सूरत में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। अगर इनका यूजेस देखा जाए तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट्स इन ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स, एडिसिव्स, फायर रिटार्डेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इंक इन कार्बन लेस रिप्रोड्यूसिंग पेपर्स। अगर हम इसके इफेक्ट देखें ह्यूमन हेल्थ पे तो हमारे पास आ जाते हैं लंग्स, नोज इरिटेशन, एब्डोमिनल पेन इफेक्ट, ब्लड एंड लिवर फंक्शन, फटीग, ग्रे ब्राउन डिकलरेशन। अगर एडल्ट्स में देखें तो ये मेमोरी लॉस कॉज कर सकते हैं, टीथ की ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसके अलावा इम्यून सिस्टम जो है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, IQ लेवल को डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डर्टी डजन में देख रहे हैं वो है DDT, जिसको हम पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन भी कहते हैं। ये बेसिकली यूज़ किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रूप्स एंड सिविलियंस को बचाने के लिए मलेरिया से। ये जो है यूज़ किया गया था 1945 में, सर विलियम चर्चल ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। और इसको हम डिफरेंट क्रॉप्स को बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डिजीजे से। अगर इसका यूज़ हम ज़्यादा कर दें इन्वायरमेंट में, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें दे तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं ह्यूमन पे तो होते ही हैं, लेकिन हमारा जो बर्ड्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी बहुत बुरी तरह डैमेज हो सकता है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं DDT की। DDT जो है वो सब्स्टिट्यूटेड इथेन है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी कोई कलर कलर नहीं है, कोई अडोर नहीं है और कोई टेस्ट नहीं है। मैन मेड ऑर्गेनोक्लोरीन है, कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन आइसोमर। मैन मेड बाय अ रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन गैस एंड द डबल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर अंडर ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंडीशन एक्सेट्रा। सेमी वॉलेटाइल है, स्लो डाउन करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन को और वेपर प्रेशर को। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है DDT की टॉक्सिसिटी आ जाती है। और टॉक्सिसिटी में इसके इंसेक्टिसाइडल इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं DDT की। जैसा कि हमें पता है कि इसकी मॉलिक्यूलर शेप जो है वो काफ़ी चेंज है, डिफरेंट स्पीशीज से स्पेसिफिक शेप होती है। इस स्ट्रक्चरल DDT मॉलिक्यूल कंटेन टू टेट्राहाइड्रल कार्बन इन इथेन यूनिट एंड टू फ्लैट बेंजीन रिंग्स। ये नर्वस सिस्टम को बैडली इफेक्ट करता है, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होता है अगर इसकी अकोमोलेशन DDT की अकोमोलेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो तो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन जो है ये इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड होता है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन से। 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग फेरिक क्लोराइड जो एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम इसको रिफ्लेक्सिंग से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्लोरोसल्फोनिक एसिड जो है वो भी प्रेजेंट होगा। और इसमें हम फेरिक क्लोराइड और एल्युमिनियम कैटलिस्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसको पिकी बेसिकली लाई करता है X3 की लिस्ट में, जिसमें हमने कहा था कि इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर एज अ बाय प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस हो जाए तो फिर इसकी प्रोडक्शन को रोका नहीं जा सकता। तो ये जो है ये एज अ बाय प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जब हम क्लोरीनेशन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल प्रोपाजीन, एट्राजीन, विनाइल क्लोराइड, फिनोल एक्सेट्रा। और ये हमारे पास